कानपुर में एमएलए ग्रेन्स ने चलाया हर घर वृक्षारोपण अभियान, जहां पूरे देश में स्वच्छता में अव्वल दर्जे पर अपना नाम दर्ज कराने वाले इंदौर शहर को चुनौती देने के लिए कानपुर नगर निगम ने कमर कस ली है, जिसके अंतर्गत एमएलए ग्रेन्स और कानपुर नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से अब घर घर वृक्षारोपण के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। जहां वृक्षारोपण के वाहन को हरी झंडी दिखाकर महापौर प्रमिला पांडे ने न सिर्फ रवाना किया बल्कि खुद वाहन में बैठकर उसको चलाया भी। उन्होंने एमएलए ग्रीन्स के निदेशक मुरारी लाल अग्रवाल का आभार जताया और कहा कि स्वच्छता का सपना किसी एक व्यक्ति के द्वारा देखने से पूरा नहीं होगा, पूरे शहर को इस अभियान में आगे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि इस प्रयास के माध्यम से अपने घर में वृक्षारोपण करवाएं, साथ ही उस वृक्ष की देखरेख अपने पुत्र के समान करें। रहे मैं अपने शहर वासियों को, जब तक पूरा शहर नहीं उठेगा काम के लिए, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए, शहर को नंबर एक ले जाने के लिए जैसे इंदौर है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहती हूँ मुरारी लाल को कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया शहर के लिए सोचा। ऐसे जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, एक बार मैं उनको अपने नगर में बुलाऊ, नगर निगम में बुलाकर उनका स्वागत करूंगी। उनसे अपने शहर के लिए ऐसे ही कहूंगी कि जिससे मेरा शहर पूरा हरा भरा हो जाए। आज उन्होंने एक वैन चलाई और इसमें स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए वो पेड़ लगेगा हर जगह। अब मैं उनसे ये भी कहूंगी कि ये और भी ज्यादा, ऐसे इतना पैसा तो जो नगर निगम ने, अगर ऐसे 10-5 लोग हमारे शहर में मिल जाएंगे तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भा भरोस में अब हनुमंता इन्हें हर भजन मिल ही नहीं सकता। अब हो गया कि हमको अब शहर में हमारे सब पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी पेड़ किसके घर के सामने लगे लगे, वो जैसे अपने एक बेटे एक बेटी की सेवा करते हैं, उस हिसाब से उस पेड़ की रक्षा करेंगे, तभी पर्यावरण से हमारा, हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे कानपुर की रक्षा हो पाएगी। एक सवाल हो रहा है, बहुत सराहनीय ने बताया ना मुरारी लाल के, बहुत 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 उनको धन्यवाद कि उन्होंने उन्होंने मेरे से बहुत पहले उनके बेटे आकर मेरे से बात किए थे। लेकिन एक बार मैंने पहला बताया ना हमने आपसे, जब तक पूरी जनता हमारे शहर के लोग नहीं निकलेंगे तब तक चाहे मेयर, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे जो वो नहीं, जब शहर उठेगा तो हमारा कानपुर कांतकारियों की नगरी है। मुझे विश्वास है कि इस बार पूरा शहर उठेगा और मैं इंदौर को पछाड़ कर नंबर एक पर जाऊंगा। धन्यवाद।